हसन भाई, दरगाह के अंदर मंदिर का दावा किया गया है कोर्ट में, और कोर्ट ने जो प्रार्थना पत्र है उसको स्वीकार करने के बाद तीन नोटिस भी जारी किए हैं तीन पक्षकारों को। क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ और हैरानी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि कोर्ट ने इस वाद को, जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, जो एक किताब जिसमें झूठा हवाला है, जिसके पीछे का कोई इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है, उसके आधार पर कोर्ट ने इस बात को स्वीकृत कर लिया, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक और हैरानी वाली और अफसोसनाक बात है हमारे लिए। मेरे पास जहाँ तक मुल्क की बात है तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हम सबसे ऊपर ये देश है। जो भी लोग भारत की शांति और अमन को खराब करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारे देश का है वो किसी भी सूरत में बिगड़ना नहीं चाहिए। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से हर वक्त में, हर दौर में, पूरी दुनिया में मोहब्बत अमन का पैगाम जाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज के जो अनुयायी है पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, केवल मुसलमान नहीं है, हर धर्म में उनके अनुयायी हैं। और ये इवन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो भी बाबा के उर्स में हर वर्ष अपनी ओर से चादर भेजते हैं। उनसे पहले के भी जो प्रधानमंत्री गुजरे उन्होंने भी अपनी अकीदत की चादरें भेजी हैं। उनसे पीछे जाएंगे तो जो राजे महाराजे, जो मुगल या जो दूसरे मुस्लिम हुक्मरान रहे, चाहे हिंदू हुक्मरान रहे, सभी ने अपनी अकीदत का इजहार किया। तो ये वो बारगाह है जिस बारगाह में सभी की आस्था है, हर धर्म के लोगों की आस्था है, और इन चीज़ों को, गरीब नवाज की बारगाह को विवादों में लाकर सभी की आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसकी मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ। साथ ही मैं हमारे भारत की सरकार से, केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से दिली गुजारिश करता हूँ कि आप इंटरवीन कर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए। और ये ऐसे जितने भी लोग हैं, हमें तो ये शक है कहीं ये भारत के दुश्मनों से तो नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि भारत की शांति जो खराब करेगा हमारी निगाह में वो जरूर भारत का दुश्मन है या किसी न किसी साजिश में वो शामिल हो सकता है। तो जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि ये किसके कहने पर ऐसे कृत्य करते हैं। कोई किताब में कोई कुछ कह देगा और हो जाएगा। आज अगर मैं किसी भी धार्मिक स्थल के लिए कोई किताब लिख दूं और आज के दो साल बाद, पांच साल बाद आप उस किताब को कोर्ट में ले जाएं और फिर उस पर विवाद शुरू हो, तो ये ठीक नहीं है भारत के हक में। सैयद अफशान चिश्ती, दरगाह जमशेदपुर।